नमस्कार मित्रों, मैं एमएस योगी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो कल हमने छोड़ दिया था डीडीसी वाला, और उसमें लास्ट जो हमारा प्रश्न था वो था कि ऐसा रंगनाथन के गुरु का क्या नाम था। तो आपको सही जवाब देना था इसका, और सही जवाब है इसका, जो रंगनाथन के गुरु हैं वो हैं WCB सेयर्स। और अगला जो हमारा प्रश्न है आज की श्रृंखला में, और जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करेंगे, कि जो लास्ट प्रश्न जो हमारा रहा था कि डीडीसी का 19वां जो संस्करण है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, और ये हुआ था 1979 में। अगला जो हमारा प्रश्न है, द्वि दशमलव वर्गीकरण डीडीसी 19वें संस्करण में सारणी 3 निम्नलिखित में से किस हेतु दी गई है। तो इसके आप विकल्प सुने, मानक उपविभाजन, भाषा उपविभाजन, व्यक्तियों के समूह विभाजन और साहित्य उपविभाजन। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, साहित्य उपविभाजन। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, डीडीसी में प्रजातीय, मानव वंशीय, राष्ट्रीय समूह की तालिका संख्या क्या है। तो तालिका 2, तालिका 4, तालिका 5, तालिका 7। तो इसका जो सही जवाब है वो है तालिका 5। अगला जो हमारा प्रश्न है, द्वि दशमलव वर्गीकरण यानी डीडीसी के किस संस्करण से उसके लेखक के नाम को आख्या में सम्मिलित किया जाता है। और आपको इसका सही जवाब देना था, और सही जवाब जो विकल्प सुन ले पहले आप, 12वें संस्करण में, 15वें संस्करण से, 16वें संस्करण से और 21वें संस्करण से। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 15वें संस्करण से। अगला जो प्रश्न है वो आप प्रश्न सुने, द्वि दशमलव वर्गीकरण के वर्गांक 0, 20, 301, 332, 994 आदि किस प्रकार के अंकन के उदाहरण हैं। तो आप पहले इसके विकल्प सुने, शुद्ध अंकन के, अशुद्ध अंकन के, मिश्रित अंकन के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है शुद्ध अंकन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो लाल बटन का निशान है उस पर आप प्रेस करें, जिससे कि आप हमारे चैनल की सदस्यता ले लोगे। और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसको भी दबा दो, जिससे कि आपको जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रतिदिन और नई नई वीडियो भेजते रहते हैं, और ये सब सहारा इंस्टीट्यूट जो है, सहारा कंपटीशन क्लासेज भरतपुर श्याम नगर केंद्रीय विद्यालय के पास, आप यहां से इन वीडियो को संचालित होते हुए देख रहे हो। और अगला जो हमारा प्रश्न था वो था कि द्वि दशमलव वर्गीकरण में प्रयुक्त इंडेक्स कैसा होता है, शुद्ध अनुक्रमणिका, मिश्रित अनुक्रमणिका, सापेक्षिक अनुक्रमणिका, विषय अनुक्रमणिका। तो इसका जो सही जवाब है वो है सापेक्षिक अनुक्रमणिका, सापेक्षिक अनुक्रमणिका। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि द्वि दशमलव वर्गीकरण के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तो अब तक आपको बताना है कि कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, 19, 20, 23, 24। तो इसका जो सही जवाब है वो है 23 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द्वि दशमलव वर्गीकरण में राजनीति शास्त्र को किस वर्गांक के द्वारा दर्शाया गया है। तो 320, 330, 340, 350। तो राजनीति शास्त्र को 320 वर्गांक द्वारा दर्शाया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द्वि दशमलव वर्गीकरण में वर्गांक 822.33 को किसे दर्शाता है। तो आप विकल्प सुने, अंग्रेजी कथा साहित्य, अंग्रेजी नाटक, प्रेमचंद और विलियम शेक्सपियर। तो जो 822.33 जो दर्शाता है वो विलियम शेक्सपियर को दर्शाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, आप सुने कि द्वि दशमलव वर्गीकरण डीडीसी के किस संस्करण को मानक संस्करण कहते हैं। और इसके विकल्प सुने आप, 12वें संस्करण को, 15वें संस्करण को और 18वें संस्करण को
और आपका जो है 21वें संस्करण को, तो इसका जो सही जवाब है वो है 15वें संस्करण को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्नों की श्रृंखला में आप देखें कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20 संस्करण जो 1993 में सीडी रोम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में प्रकाशित हुआ था की आख्या बताइए। और आप विकल्प सुने, विकल्प जो है हमारा वो है कि ऑनलाइन डीवी, वर्चुअल डीवी, इलेक्ट्रॉनिक डीवी और कंप्यूटराइज डीवी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डीवी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डीवी दशमलव वर्गीकरण के 21वें संस्करण के खंड के प्रारंभ में कितने सापेक्ष दिए गए हैं। और आप सुने 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3। डीवी दशमलव वर्गीकरण के 21वें संस्करण में मानक उपविभाजन सारणी की संख्या क्या है, सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3, सारणी 7। तो इसका जो सही जवाब है वो है सारणी 1। अगला जो हमारा प्रश्न है डीवी दशमलव वर्गीकरण 21वां संस्करण में सामान्य एकल का समानार्थी पद बताइए। फॉर्म डिविजन्स, स्टैंडर्ड डिविजन्स, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स और कॉमन सब डिविजन्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डीवी दशमलव वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है। तो आपको 21वें संस्करण के खंड बताने हैं और आप इसका जवाब पहले इसके विकल्प सुने। और विकल्प हैं आपके 1 खंड में, 2 खंड में, 3 खंड में और 4 खंड में। तो इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प डी, यानी 4 खंड में। और अगला जो हमारा प्रश्न है डीवी दशमलव वर्गीकरण के अनुसार किस विषय का इतिहास बनाने के लिए किस मानक विभाजन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो विकल्प है वो है 1, 7, 9 और 5। तो इसके लिए आपको सही विकल्प जो है वो है 9। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है डीवी दशमलव वर्गीकरण संस्करण 19 के खंड फर्स्ट के अंत में संलग्न प्रथम सापेक्षित कितने मुख्य वर्गों में विभक्त है। और आप पहले विकल्प सुन लें इसके, 100, 10, 1000 उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। और इसका जो सही जवाब है कि 19 के खंड 1 के अंत में संलग्न प्रथम सापेक्षिक अंक कितने हैं, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 10। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डीडीसी के कौन से संस्करण में फेज रिलेशन की सुविधा शुरू हुई थी, तो 14वें संस्करण में। और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दूसरे संस्करण में, 7वें संस्करण में और 11वें संस्करण में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 14वें संस्करण में। आगे आप अगला प्रश्न सुने डीवी दशमलव वर्गीकरण के अनुसार किसी विषय को शब्दकोश का वर्गांक बनाने के लिए किस मानक विभाजन का प्रयोग किया जाएगा, 1, 3, 5, 7। तो इसका जो सही जवाब है वो है 3। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों डीवी दशमलव वर्गीकरण के 7 पूरक तालिकाओं का प्रयोग दशमलव वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विशेषताओं का द्योतक है। और इसका जो सही जवाब है, पहले विकल्प सुने आप, गणनात्मक विशेषताएं, संश्लेषणात्मक विशेषताएं और विश्लेषणात्मक विशेषताएं और वर्णात्मक विशेषताएं। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी, संश्लेषणात्मक विशेषताएं। अगला जो हमारा प्रश्न है डीडीसी का 23वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आप विकल्प सुने, 2010 में, 2008 में और 2011 में और 2012 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2011 में। डीडीसी का 23वां संस्करण 30 से अधिक भाषाओं में से निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है कि डीवी दशमलव वर्गीकरण की देखभाल अब कौन करता है, तो लेक, प्लेसिड क्लब, लाइब्रेरी ऑफ कॉमन्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ओसीएलसी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ओ सी एल सी। और अगला जो प्रश्न है वो है ओ सी एल सी का मुख्यालय कहां बना हुआ है, तो डबलिन यूएसए में, लंदन ग्रेट ब्रिटेन में, पेरिस फ्रांस में, ओटावा कनाडा में। तो इसका जो ओ सी एल सी का मुख्यालय वो डबलिन यूएसए में है। और दोस्तों आपको आज का जो प्रश्न है वो बताना है कि अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो है आज के लिए, और आप इसका अच्छे से जवाब दें, सोच समझ कर जवाब दें कि ग्रंथालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ग्रंथालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय ग्रंथालय विज्ञान का जनक। और आपके प्रश्न का उत्तर का जवाब मुझे रहेगा, और मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का, फिर उसके बाद में अगली वीडियो पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं एमएस योगी आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी।